Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your GK teacher, Ms. farheen and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know, that we are on unit number two. Resources and their types, and today is its third lecture. So, my dear students, before moving on towards the main lecture, let's quickly recap what we did in the previous lecture. As you all know, that we are talking about different types of resources, and we have studied about natural resources. So, quickly tell me what is a natural resource. Very good. Hamne na natural resource ke mein So anything that exists naturally or exist uh, in the nature, uh, naturally exist in the nature is called a natural resource. So now quickly, what benefits do we get from animals? Because animals are a natural resource. So when you say that you animal to kon that do benefits. What do you get from We get different dairy products. We get poultry uh, like eggs from them.

ओके माई डियर स्टूडेंट्स नाव लेट्स क्विकली मूव टूवर्ड्स एंड एक्टिविटीज दैट पीपल स्टार्ट आवर लेक्चर सो माई डियर स्टूडेंट्स आज हम क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं तो आप मुझे जल्दी से बताएं कि क्या आप किसी ऐसे बंदे से आज मिले हैं जिसने आपको कोई सर्विस प्रोवाइड की हो जैसे कि यूके एम एन द बस और इन ए रिक्शा और एन ए टैक्सी तो आप किसी ड्राइवर से मिले हों इसके अलावा क्या आप किसी कैफे या बेकरी के पर्सन uh, से मिले हो जिसने आपको चीजें दी हो वहां इसके अलावा क्या आपने किसी ट्रैफिक पुलिस वाले को देखा और हैव यू योर टीचर येट सो ऑन बस एट कैफे ऑन रोड्स एट योर स्कूल यू मीट डिफरेंट पर्सन हू प्रोवाइड यू विद डिफरेंट सर्विसज बेसिकली दीज आर द्यूमन रिसोर्सिस क्योंकि ये हमारे बहुत से काम आसान कर देते हैं आपको जो बस ड्राइवर है वो आराम से आपको आपकी डेस्टिनेशन तक ले कर चला जाता है जब आप शॉप कीपर के पास जाते हैं वो आपको डिफरेंट चीज़ें सेल करता है इसके अलावा तो रोड्स के ऊपर अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं होगी तो दे विल भी नो लॉज आपकी ट्रैफिक कोई एक्सीडेंट हो सकता है कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है सिमिलरली आपकी टीचर्स जो हैं वो आपको डिफरेंट एजुकेशन uh, uh, और आपको फैसिलिटेट करते हैं आपके स्कूल के अंदर इसी तरह जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं हॉस्पिटल्स में वहां पे वो आपको ट्रीटमेंट करते हैं सो दीज आर द डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट पीपल सो दैट इज व्हाई हम इनको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स और आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे सो लेट्स क्विकली लुक एट द ऑब्जेक्टिव गिवन ऑन पेज नंबर थर्टीन सो आइडेंटिफाई ह्यूमन रिसोर्सेज फार्मर्स बिल्डर्स पेंटर्स एक्सेट्रा सो so, आज जितने भी लोग हमें जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे सो लेट्स क्विकली लुक एट द इस्लामिक इस्लामिकस्पेक्टिव ही क्रिएटेड द देवेंस विदाउट एनी विजिबल सपोर्ट एंड ही प्लेस फर्म माउंटेन्स ऑन द अर्थ इन केस इट शुड शेक अंडर यू एंड ही स्प्रेड ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स अराउंड इट वी सेंट डाउन वाटर फ्रॉम द स्काई विद विच वी मेड एवरी काइंड ऑफ गुड प्लांट ग्रो ऑन अर्थ सो माय डियर स्टूडेंट्स अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि उसी ने आसमानों को सतूनों के बगैर पैदा किया जैसा कि तुम देखते हो और ज़मीन पर पहाड़ बनाकर रख दिए ताकि तुमको हिला हिला ना दे और उसमें हर तरह के जानवर फैला दिए और हमने आसमानों से न, पानी ना पानी नाजिल किया फिर उससे हमने हर किस्म की नफीस चीज़ें उगाई तो आप देखें कि आपके गिर्द कितने जो है वो रिसोर्सेज हैं जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं एंड दीज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज ओके माई डियर स्टूडेंट्स सम फ्री रीडिंग क्वेश्चन क्विकली नेम सम नेचुरल रिसोर्सेस आज uh, पहले से हम नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में पढ़ चुके हैं लाइक एयर वाटर सनलाइट दीज ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज सो माई डियर स्टूडेंट्स नाउ क्विकली ओपन पेज नंबर सिक्सटीन इन योर बुक्स I hope everybody has opened page number 16. So, my dear students, you will put your fingers where I will read because we are about to read about the human resources. So, human resources. People who work to provide goods and services are called human resources. Technology has changed the world, but the importance of human resources is still on top of it. Human resources are of various kinds. सम ऑफ दैम आर डिस्कस्ड ऑन द नेक्स्ट पेज सो माई डियर स्टूडेंट्स हमारा uh, जो दुनिया है वो बहुत तेज हो गई है बहुत फास्ट हो गई है टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हो गई है बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो गई है बट स्टिल आपके पास जगह जगह कंप्यूटर्स हैं रोबोट्स हैं बट स्टिल ह्यूमन रिसोर्स जो हैं वो स्टिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वो हर चीज़ के टॉप पे हैं बिकॉज विदाउट ह्यूम यू वर्ल्ड के नॉट सर्वाइव और एक्सेल सो हम अब कुछ जो है ह्यूमन रिसोर्सेस को डिस्कस करेंगे क्विकली ओपन पेज नंबर सेवनटीन आई होप एवरीबडी हैजर्न टू पेज नंबर सेवनटीन सो फर्स्ट ह्यूमन रिसोर्स इज फार्मर्स क्विकलीट्स रीड अबाउट इट फार्मर्स आर द बैक बोन ऑफ आर सोसाइटी बिकॉज दे वर्क डे एंड नाइट दे ग्रो फूड एंड कैश क्रॉप्स दे ऑल्सो रियर एनिमल्स वी गेट मीट एंड मिल्क फ्रॉम दीज एनिमल्स सो माई डेयर स्टूडेंट्स हेयर ऑन द स्क्रीन यू कैन सी फार्मर्स इन द फील्ड आपको नजर आ रहा है कि इवन देअर इज मशीनरी हेयर जो कि आपके फील्ड्स के अंदर जो है वो आपको क्रॉप्स ग्रो करने में हेल्प करती है आप ये हेयर यू कैन सी दिस पर्सन इज स्प्रेंग सो आपको ये भी नज़र आ रहा है कि uh, आप डिफरेंट गैजेट्स को और डिफरेंट मशीनरी को यूज कर रहे हैं बट स्टिल ह्यूमन जो रिसोर्स है जैसे कि दिस वुमेन इज़ सोइंग सीड्स ही इज स्प्रेंग दिस मैन इज ड्राइविंग द ट्रैक्टर सो आपकी फार्मर्स जो है जो कि क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगे तो जो हमारे घर में खाना आता है या रोटी पकती है वो कहाँ से पकेगी सो दीज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स जो कि हमारे लिए बहुत से काम करते हैं इवन दे रियर द एनिमल्स फार्म एनिमल्स को ये अपने पास रखते हैं और हम उनसे गोश्त और मुख्तु प्रोडक्ट्स जो हैं वो हासिल करते हैं ओके नेक्स्ट कम बिल्डर्स अब सबसे पहले आप ये सोचें कि जिस बिल्डिंग में अब आप अपने घर में बैठे हुए हैं या स्कूल में बैठे हुए हैं ये कि किसी ना किसी ने तो बनाई है ना ये बिल्डिंग सो दीज बिल्डिंग्स आर बिल्ट बाय द बिल्डर्स सो ये एक और ह्यूमन रिसोर्स हो गया कि वो आपको हेल्प आउट करें आपके लिए बिल्डिंग्स बना रहे हैं स्कूल्स बना रहे हैं प्लाजा बना रहे हैं सो लेट्स क्विकली रीड द बिल्डर्स आर मेसन एंड लेबर दे आर हार्ड वर्किंग पीपल इन आर सोसाइटी दे कंस्ट्रक्ट हाउसेज स्कूल रोड्स एंड मस्जिद फरास आप देखें कि बिल्डर्स जो है कितनी सारी चीज़ें है, जो हैं वो हमारे लिए बिल्ड कर रहे हैं मस्जिद बना रहे हैं रोड बना रहे हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है अगर रोड नहीं प्रॉपर होगी तो आप किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे अगर बिल्डिंग नहीं होगी आपका घर नहीं बनेगा तो आप किस तरीके से सर्वाइव करेंगे सो दीज पीपल आर बेसिकली द्यूमन रिसोर्सेज जो भी इंसान आपकी बेटरमेंट के लिए आपको फैसिलिटेट करने के लिए कोई काम कर रहा है दैट पर्सन इज ह्यूमन रिसोर्स ओके नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट रिसोर्स पेंटर अ पेंटर इज अ पर्सन हु यूज पेंट टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेसेस सम ऑफ द पेंटर्स आर ट्रेंड फ्रॉम आर्ट स्कूल एंड अदर लर्न नेचुरली अब जो भी शख्स पेंटिंग करता है कुछ ड्रॉ करता है पेंट्स को यूज करता है दैट पर्सन इज अ पेंटर आपके ट्रक्स पेंट हुए होते हैं आपने डिफरेंट फ्लैक्स पेंट हुए हुए देखे होते हैं बोर्ड्स पेंट हुए हुए होते हैं इसके अलावा इसकी स्पेशल ट्रेनिंग भी मिलती है आर्ट स्कूल्स के अंदर सो दीज पेंटर्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन द सोसाइटी लेट्स क्विकली मूव टू वर्ड्स मैकेनिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स है लेट्स क्विकली रीड अबाउट अ मकैनिक

कार्स हैं मोटर बाइक्स हैं जिनसे हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं इनकी मेंटेनेंस के लिए या अगर इनके अंदर कोई ख़राबी हो जाए तो इनको रिपेयर करने के लिए आपके पास मकैनिक है सो so, ये मकैनिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स हैं जो कि हमें हेल्प आउट करते हैं ताकि हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो फिट और मेनटेन रहें ओके माई डियर स्टूडेंट्स नाउ इट्स टाइम फॉर द प्रैक्टिस लेट्स क्विकली मूव टूवर्ड्स द प्रैक्टिस आपको इस प्रैक्टिस के लिए जो है Worksheet number three provide Kijgi by your teacher in print form, or you can simply download it from the description box below this video. So, my dear students, first of all, you will write down your name and your class here, then human resources. So, what is a human resource? Human resources are the people who use their skills to produce a good or service. So, ऐसा आदमी जो कि आपको कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है या आपकी लाइफ को ईजी बना रहा है दैट पर्सन इज अ रिसोर्स और उसको हम ह्यूमन रिसोर्स कह देते हैं सो so, डायरेक्शन ये है कि नेम सम ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ऑल्सो राइट हाउ दे अस ठीक है यहां आपको ह्यूमन रिसोर्सेज के नेम्स लिखने हैं फॉर एग्जाम्पल लेट मी डू द फर्स्ट वन फॉर यू डॉक्टर सो नाउ हाउ वट ही प्रोवाइड uh, यू कौन सी सर्विस जो है वो डॉक्टर आपको प्रोवाइड करता है मैं अब इस बारे में आपको आई डू द फर्स्ट वन फॉर यू बाकी ह्यूमन रिसोर्सेज और सर्विसेज आप खुद करेंगे ठीक है सो ही प्रोवाइड आस और ही गिव्स आस ट्रीटमेंट When we are ill. तो जब आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है सो so, ये एक सर्विस हो गई और इस तरीके से ये आपको डॉक्टर्स जो हैं वो हेल्प आउट करें नेक्स्ट आप ह्यूमन रिसोर्सेज में टीचर्स के बारे में लिख सकते हैं शॉपकीपर्स के बारे में लिख सकते हैं इसके अलावा पुलिस मैन के बारे में लिख सकते हैं सो देर आर मैनी ह्यूमन रिसोर्सेज अराउंड यू जिनको आप इवन द हाउस हेल्प एट योर होम और पी एन एच योर स्कूल और अ सिक्योरिटी गार्ड एट योर स्कूल और इन योर स्ट्रीट आप इन सब के बारे में लिख सकते हैं बिकॉज दे ऑल आर ह्यूमन रिसोर्सिस सो यू विल कम्प्लीट दिस वर्कशीट एंड यू विल सबमिटेड टू योर टीचर एंड नाउ यू विल मूव फॉरवर्ड टू वर्ड्स पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स ऑफ योर बुक्स एंड हेयर इज रिटन एक्सरसाइज गिवेन और इसका आप क्वेश्चन नंबर टू जो है अपनी नोटबुक्स में करेंगे सो वॉट इज क्वेश्चन नंबर टू हाउ डू फार्मर्स फार्मर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू अ कंट्री तो जो आपके किसान हैं जो खेतों में काम करते हैं वो कैसे आपके मुल्क के अंदर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं या वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं दे रीप क्रॉप्स फॉर आस एंड दे ऑल्सो रियर डिफरेंट फार्म एनिमल्स फॉर आस एंड दे प्रोवाइड आस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड सो यू विल राइट डाउन द आंसर इन योर नोट बुक्स ओके सो फ्रॉम हेयर वी विल मूव फॉवर्ड टू वर्ड योर एवेल्यूएशन सो द स्पी लर्निंग Listening and speaking questions are given on page number 24, and here are the questions. What is a human resource? The services provided by the humans, they are or goods provided by the humans are called human resource. So how human resources are different from natural resources? Upki have natural resources or human resources you have a different to say. Natural resources are the things which exist naturally. And human resources are the services provided by the human beings. So this is the difference between human resource and natural resource. List some human resources: farmers, painters, doctors, teachers, uh, shopkeepers, painters, lawyers, policemen uh, These all are um, human resources. What services are provided by the farmer, builder, carpenter, and mechanic? One by one, in ki services will discuss their services. Farmer he reap crops for us next the builder he builds building for us then next is carpenter he makes our furniture and a mechanic he repairs cars for us or our vehicles for us okay so these are the services provided by the all these human resources okay my dear students now is the time for homework quickly note down your homework given on page number 18 independent activity number 2 very easy

So you can do this, okay? If you ye this page enough, laghe, these boxes, this table is not enough. So you can use your notebook also. You can table draw kare, and you can easily use your notebook. Next homework. Uh, so now is the time for wrap up. People who made efforts to provide goods and services are called human resources, such as farmers, painters, doctors, etc. Okay? So my dear students, I hope you have. Uh, understood about the human resources now, and you are well aware about all the services provided by different human beings around us. So, my dear students, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.